हे एवरीवन, आज जानते हैं नाउन यानी कि संज्ञा को। सो गाइस, नाउन यानी कि संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। एग्जांपल, राम टेबल दिल्ली इंडिया। सो गाइस, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के भेद। सो गाइस, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। एंड नंबर 4 मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। एंड नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। एंड गाइस, अब जानते हैं पांचों नाउन की परिभाषा और एग्जांपल। नंबर 1 प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यमुना, गांधी जी, मुंबई, इंडिया। नंबर 2 कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी जात के सभी व्यक्ति एवं वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काऊ, गांव, पशु, पहाड़। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। गाइस, समूहवाचक संज्ञा में समूह का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्राउड, भीड़, बंच, गुच्छा, क्लास एंड आर्मी। नंबर 4 मटेरियल नाउन द्रववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के मापने या तौलने का बोध हो पर तौला ना जा सके, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राइस, चावल, मिल्क, दूध, पेट्रोल एंड वाटर यानी कि पानी। एंड नंबर 5 अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, अवस्था एवं धर्म का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटी, सुंदर, काइंड, दयालु, ऑनेस्ट, ईमानदार, चाइल्डहुड, बचपन। सो गाइज, इफ यू वांट मोर वीडियोज, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।